हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जिसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट और डेंटल फिलिंग में अंतर। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट और ये कन्फ्यूजन रहता ही है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब कराया जाता है और डेंटल फिलिंग कब कराई जाती है। दोनों ही ट्रीटमेंट में क्या अंतर होता है, किस कंडीशन में हमारे डेंटिस्ट हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि RCT की सलाह देते हैं और कब हमें हमारे दांत में मसाला भरवाना रहता है यानी कि फिलिंग करवानी रहती है। कई बार पेशेंट्स के ये रहता है कि उनके दांत में सड़ान लगी है, दांत में उन्हें लगता है कि हमारे दांत में कीड़ा लगा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे दांत में मसाला भरा जाएगा। तो कई बार पेशेंट्स क्लिनिक में भी आकर ये बोलते हैं कि हमारे दांतों में मसाला भर दीजिए। लेकिन ये भी डिपेंड करता है, हर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपके दांतों की कंडीशन पे। तो आपके दांत की कंडीशन क्या है, जरूरी नहीं है कि आपके दांत की कंडीशन ऐसी हो कि आपके दांत में मसाला ही भर सके। जरूरी नहीं है कि आपको RCT की जरूरत हो। तो आज हम इसी डिफरेंस के बारे में आपके साथ बात करेंगे, इसी अंतर को समझेंगे कि दांत की ऐसी क्या कंडीशन होती है जब आपके डेंटिस्ट आपके दांत में मसाला भर के देते हैं यानी कि डेंटल फिलिंग करते हैं, और कब ऐसी क्या कंडीशन हो जाती है दांत में जब आपके डेंटिस्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट की आपको सलाह देते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचते रहें। मैं डॉक्टर शुभि कुपरेले पस्तौर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपके मन में इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हों, जो भी क्वेश्चंस हों, कन्फ्यूजन्स हों कि हमारे दांत में फिलिंग कब होती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब होता है, क्या दोनों ट्रीटमेंट में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम अपने दांत की कंडीशन समझते हैं कि जब हमारे दांत में सड़ान लगना स्टार्ट होती है, जिसे आप आम भाषा में बोलते हो कि हमारे दांत में कीड़ा लग रहा है, तो उस सिचुएशन में आपके दांत की कंडीशन क्या रहती है और कैसे वो सड़ान बढ़ते बढ़ते आपके सड़ान बढ़ती जाती है और उस हिसाब से आपके डेंटिस्ट आपको किस ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। जब भी हमारे दांत में सड़ान लगती है, आपको अपने दांत पर, दांत के सरफेस पर काला स्पॉट सा दिखता है, आपको काला सा अपने दांत के ऊपर दिखता है, गड्ढा सा हो जाता है दांत के हमारे। जैसे हमने पहले भी वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है कि दांत हमारे तीन लेयर्स में डिवाइड रहता है। सबसे ऊपर वाली लेयर दांत की होती है इनामिल, सेकेंड लेयर होती है डेंटी, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है पल्प, जहां पर हमारे दांत की नसें प्रेजेंट होती है। जब भी हमारे दांत में सड़ान लगना स्टार्ट होती है, हमारे दांत में कीड़ा लगना स्टार्ट होता है, सबसे पहले कीड़ा हमारे जो आउटर मोस्ट लेयर है इनामिल को डैमेज करता है। जब हमारे दांत की सड़ान सिर्फ हमारे इनामिल तक रहती है, उस समय आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता है, आपको कोई परेशानी अपने दांत में नहीं होती है। धीरे धीरे जब आप उस स्टेज पर अपना कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, उस कंडीशन को अपने दांत की इग्नोर कर देते हैं, धीरे धीरे सड़ान बढ़ते बढ़ते आपके डेंटिन जो सेकेंड लेयर होती है वहां तक पहुंच जाती है, डेंटिन को भी डैमेज कर देती है। उस समय भी आपको दर्द नहीं होता है, हल्का फुल्का आपको झंझनाहट या सेंसिटिविटी सी महसूस होने लगती है, उस समय पर भी आपको पेन नहीं आता है। और ऐसे में भी लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, उन्हें लगता है कि थोड़ा बहुत हमारे दांत में कीड़ा लगा है, नॉर्मल हम अपने ब्रशिंग से सफाई करेंगे दांत की और वो चला जाए। लेकिन आपकी जो सड़ान है दांत की, इस कंडीशन के बाद भी बढ़ते बढ़ते आपके दांत की जो सबसे अंदर वाली लेयर, जो आपके दांत की पल्प है, जहां आपकी नसें हैं, उस तक पहुंच जाता है। और जैसे ही आपके दांत की सड़ान आपके नस तक पहुंचती है, नस को डैमेज करती है, आपके दांत में तेज दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। उस समय पर आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, ठंडा गर्म बहुत ज्यादा महसूस होगा, इन्फेक्शन आ जाएगा, कभी कभार आप नोटिस करेंगे कि आपके दांत के ऊपर पस भी आ रहा है। ऐसी कंडीशन होती है जब आपके दांत की सड़ान आपके नस तक पहुंच जाती है। तो ये ऐसी स्टेज होती है, ये ऐसे स्टेज होती है हमारे दांत की सड़ान की। सबसे पहले सड़ान हमारे सबसे आउटर मोस्ट लेयर इनामिल को डैमेज करती है, बढ़ते बढ़ते डेंटिन तक पहुंचती है, और ज्यादा बढ़ते बढ़ते उस समय पर भी जब आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, ज्यादा बढ़ते बढ़ते हमारी नस को भी इन्फेक्ट कर देती है। अब किस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे समझेंगे? सबसे पहले जब तक आपके दांत में दर्द नहीं है,
जब तक आपके दांत में सिर्फ सड़ान लगी हुई है, आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है, आपके दांत में इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है, आपके दांत में पस नहीं हो रही है, ठंडा गर्म आपको नहीं लग रहा है, यानी कि आपकी सड़ान आपके थर्ड लेयर यानी कि आपके नस तक नहीं पहुंची। जब हमारे दांत की सड़ान हमारे नस तक नहीं पहुंची है, सिर्फ हमारे दांत की दो लेयर तक ही है, तब तक हमारे डेंटिस्ट हमें फिलिंग की ही एडवाइस देते हैं। तब तक आप अपने दांत को मसाला भरवा कर बचा सकते हैं। आसान भाषा में समझते हैं कि अगर आपके दांत की सड़न लगना स्टार्ट हुई है, सबसे ऊपर वाली लेयर इनेमल को डैमेज किया है, उसी समय अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं दिखाते हैं, तो आपके डेंटिस्ट आपके उस सड़न को रिमूव कर देते हैं, उतने पार्ट से दांत के उतने पार्ट को हटा के वहां पर फिलिंग मटेरियल लगाकर दे देते हैं। आपके दांत की सड़न हट जाती है और दांत ज्यादा खराब होने से बच जाता है। इस कंडीशन में भी अगर आप सही इलाज नहीं करवाते हैं, सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, आपकी जो सड़ान है वो धीरे धीरे बढ़ के दूसरी लेयर तक पहुंच जाती है दांत की, डेंटिन वाली लेयर तक पहुंच जाती है। इस समय पर भी आपको कोई पेन नहीं है, क्योंकि अभी भी आपकी जो सड़ान है वो आपके दांत की नस से दूर है। तो इस समय पर भी आपके डेंटिस्ट आपको रेस्टोरेशन करके देते हैं, इस समय पर भी फिलिंग की पॉसिबिलिटी होती है, आपका दांत फिलिंग मटेरियल से बचाया जा सकता है। उस समय भी जो सड़ान है उसको हटाया जाता है और उस जगह पर मसाला यानी कि फिलिंग मटेरियल को लगाकर रख देते हैं और आपका दांत आगे बढ़ने से बच जाता है। इन दो कंडीशन में, जहां आपके दांत में ठंडा गर्म नहीं लग रहा है, कोई सेंसिटिविटी आपको नहीं लग रही है, दर्द नहीं आ रहा है, आपके दांत में इन्फेक्शन नहीं आ रहा है, ये डेंटिस्ट आपके चेक करते हैं, आपके और आपके दांत को भी देख के चेक करते हैं और एक्सरे करके भी पता चल जाता है कि आपकी सड़न कितना अंदर तक पहुंच गई है। अगर आपको उस दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सड़न लगी है, तब तक आपके डेंटिस्ट आपको फिलिंग की ही सलाह देते। अब आरसीटी की अगर हम बात करें, तो आरसीटी का मतलब होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी कि नसों का इलाज। जब हमारे दांत की जो सड़न है वो आगे बढ़ते बढ़ते इनामिल से डेंटिन तक पहुंची, डेंटिन से जब हमारी पल्प तक पहुंच जाती है यानी कि हमारी नसों तक जब पहुंच जाती है, तब हमारे दांत में इन्फेक्शन हो जाता है, दांत में बहुत ज्यादा पेन आ जाता है। आप नोटिस करेंगे कि आपको पस का भी प्रॉब्लम हो रही है, पस भी डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जब डेंटिस्ट आपके दांत को चेक करते हैं, जब पल्प इन्वॉल्व हो गया है, पल्प एक्सपोज हो गया है, ऐसी कंडीशन में आपको फिलिंग करने की सलाह नहीं मिलती है। फिलिंग ऐसी कंडीशन में नहीं की जाती। अगर हमारे डेंटिस्ट, अगर हम अपने डेंटिस्ट को दिखाते हैं, दांतों को, दांत में जो सड़न लगी है वो चेक करवाते हैं, और ऐसी कंडीशन में अगर आप मसाला भरवाने की बात करते हैं, मसाला भराने के लिए बोलते हैं, तो ऊपर हमारे दांत में सड़न है, उतनी सड़न को हटा दिया जाएगा और मसाला भर दिया जाएगा, लेकिन इन्फेक्शन हमारे नस तक पहुंच गया है, हमारे जड़ों तक पहुंच गया है, पस बन रही है, वो चीज हमारी ट्रीट नहीं हो पाती है और सिर्फ मसाला ऊपर भर जाता है, तो इन्फेक्शन हमारे दांत में प्रेजेंट है, उससे हमारे दांत में और ज्यादा दिक्कत हो जाती है, इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, आपको स्वेलिंग आ जाएगी। इसलिए जैसे ही हमारी सड़ान हमारे नस तक पहुंच जाती है, हमारे नस को इन्वॉल्व कर देती है, पल्प इन्वॉल्व हो जाता है, उस समय के बाद आपके डेंटिस्ट आपको फिलिंग करके नहीं देते हैं, उस समय के बाद आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ही सलाह देती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के लिए आपके दांत के ऊपर की सड़ान को हटाया जाता है, जो हमारे नसें हैं, जो हमारे दांत के अंदर कैनाल्स हैं, उनकी ओपनिंग की जाती है। कैनाल्स के अंदर जो जितना भी इन्फेक्शन है, हमारे दांत में जो नसें में इन्फेक्शन है, उसको रिमूव किया जाता है, कैनाल्स की अच्छे से क्लीनिंग की जाती है। क्लीनिंग करने के बाद, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं नकली नस डालना, नकली नस यानी कि गट्टा पर्चा डाला जाता है, ऊपर फिलिंग मटेरियल रखा जाता है और दांत को ट्रीट कर दिया जाता है। जब हमारे दांत में इन्फेक्शन हमारे नस तक पहुंच गया है, तो हमारे दांतों में सिर्फ रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही किया जाता है, इससे हमारे दांत को बचाया जा सकता है, आपके नेचुरल टूथ को रूट कैनाल ट्रीटमेंट से सेव कर लिया जाता है। तो इन शॉर्ट ये अंतर होता है हमारे दोनों ट्रीटमेंट के बीच में, यानी कि कब हमारे दांतों में फिलिंग हो सकती है, जिसे हम डेंटल फिलिंग रेस्टोरेशन बोलते हैं, कब हमारे डेंटिस्ट हमारे दांत में फिलिंग करके देते हैं, और कब हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि आरसीटी की सलाह मिलती है। कई लोगों के मन में ये डाउट था, ये कंफ्यूजन थी कि हमारे दांतों में मसाला भरना चाहिए कि हमारे दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना चाहिए, हम किस ट्रीटमेंट के लिए जाएं, हमारे डेंटिस्ट हमें मसाला भराने से मना कर रहे हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये डाउट होपफुली आपके क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है, मसाला भरवाने से क्यों मना किया जाता है, किस कंडीशन में
और किस कंडीशन तक आपके दांत की मसाला भर सकते हैं दांत में, और किस कंडीशन के बाद आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि नसों के इलाज की ही जरूरत रहती है। जब भी हमारे दांत में इन्फेक्शन हो जाए, हमारे दांत में दर्द आना स्टार्ट हो जाए, तब हमें हमारे दांत के जो नसों का इलाज है रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना रहता है। और जब तक हमारे दांत में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमारे दांत में दर्द नहीं आ रहा है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हमें नहीं है, ठंडा गर्म महसूस नहीं हो रहा है, हमें स्वेलिंग भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तब तक हमें सिर्फ हमारे दांत में एक ब्लैकनेस दिखती है, हमारे दांत में सिर्फ कीड़ा जिसे हम सड़ान बोलते हैं वो लगा रहता है। उस समय आपको फिलिंग की जरूरत रहती है, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके उस सड़ान को रिमूव करवा लेते हैं, और रिमूव कराने के बाद उस जगह आप रेस्टोरेटिव मटेरियल यानी कि फिलिंग मटेरियल लगवा लेते हैं। फिलिंग मटेरियल भी कई टाइप के आते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का फिलिंग मटेरियल अपने दांत में कराना है। सिल्वर फिलिंग होती है, आपकी जो अमलगम फिलिंग होती है जिसे हम चांदी की फिलिंग कहते हैं आम भाषा में, आप वो करवा सकते हैं, या फिर अगर आप अपने दांत की ही कलर की करवाना चाहते हैं तो वो भी होती है, GIC फिलिंग भी आप करा सकते हैं, कॉम्पोजिट फिलिंग भी करा सकते हैं, तो अलग अलग टाइप की फिलिंग भी आप अपने दांत में करा सकते हैं। डिटेल में फिलिंग कराने के लिए कौन सी फिलिंग करवानी चाहिए, कौन सी फिलिंग आपके दांत के लिए बेस्ट होती है, इसके बारे में अलग से वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप उससे जाकर समझ सकते हैं कि आपके दांत के लिए कौन सी फिलिंग बेस्ट रहती है, किस फिलिंग के लिए आपको जाना चाहिए। तो आप अपने दांत में जब तक अपने दांत में फिलिंग हो सकती है उसी समय पर आप अपने दांत की कंडीशन को नोटिस करें। अगर आपके दांत में हल्का सा भी ब्लैकनेस हो रही है, सड़ान लग रही है, उसी समय जाकर अपने डेंटिस्ट को दिखाएंगे तो रेस्टोरेशन से आपके दांत को और ज्यादा खराब होने से बचाया जा सकता है, दांत आपका सेव हो जाता है। लेकिन अगर उस समय आप इस सिचुएशन को, अपने दांत की इस कंडीशन को इग्नोर करते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, तो सड़न बढ़ती जाती है, बढ़ते बढ़ते आपकी नस इन्वॉल्व हो जाती है, नसों तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है, दर्द आ जाता है, और उस समय आपके दांत में फिलिंग नहीं हो पाती है, तब आपके डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। तो होपफुली उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपके जितने भी डाउट्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी कंफ्यूजन था इन दोनों ट्रीटमेंट से रिलेटेड कि कौन सा ट्रीटमेंट क्या होता है, डेंटल फिलिंग कब की जाती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, ये अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।